हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकोस्टड यूट्यूब चैनल। सो गाइस, MIUI 10 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट में नया शेड्यूल आ चुका है, जो कि जो अब आपको जो अपडेट देखने को मिलेगा सेकंड बैच और थर्ड बैच के डिवाइसेस में, तो आपको और देरी से देखने को मिलेगा। ये नया शेड्यूल निकल के आया है शॉपवेल की तरफ से, जो कि काफ़ी बैड न्यूज़ है हम सभी के लिए। सो गाइस, अगर आप शॉपवेल की तरफ से तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। सो गाइस, आप देख सकते हैं जो फर्स्ट बैच के डिवाइसेस थे, इनमें देख सकते हैं फर्स्ट बैच के डिवाइसेस जो नीला टिक आ रहा है, इन सबको MIUI 10 का स्टेबल अपडेट मिल चुका है। Redmi 6 Pro को भी जल्दी मिल जाएगा MIUI 10 का स्टेबल अपडेट। ये तो रहे फर्स्ट बैच के डिवाइस जिनको MIUI 10 का स्टेबल अपडेट मिल चुका है। और अगर हम बात करें और बाकी डिवाइस के सेकेंड और थर्ड बैच के डिवाइसेस की, तो अगर हम बात करें सेकेंड बैच के डिवाइस की, तो सेकेंड बैच में यहाँ दो हिस्सों में बांटा गया है, तो इनको इस तरह से अपडेट मिलेगा। अगर हम सेकेंड बैच के फर्स्ट रो की बात करें सेकेंड बैच की, तो इनको जो अपडेट मिलेगा वो मिलेगा एंड ऑफ अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर के आखिरी महीने तक आपको इन डिवाइस में MIUI 10 का स्टेबल अपडेट देखने को मिल जाएगा। इनमें से जो डिवाइसेस के नाम है, मैं बताते हैं आपको डिवाइस के नाम। इनका जो डिवाइस है Mi Note 3, Mi 5S, Mi 5S Plus, Mi Max, Mi Max Prime, Mi Max 2, Mi Max 3, Redmi Note 5 है, Redmi Note 5 A Prime। अभी जो लास्ट में जो रेडमी नोट 5 है और रेडमी नोट 5 Prime, ये दरअसल रेडमी नोट 5 Y1 है और एक 5Y Lite है। तो इन सब डिवाइसेस को आपको अक्टूबर के लास्ट दिनों में MIUI 10 का स्टेबल अपडेट देखने को मिल जाएगा। नवंबर तक आपको इन सभी डिवाइसेस में MIUI 10 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट देखने को मिल जाएगा। अगर इसके बाद हम बात करें सेकेंड बैच के दूसरे रो की, दूसरे भाग में बांटा हुआ है सेकेंड बैच, दो भाग में बांटा हुआ है। तो दूसरे रो की अगर बात करें हम, तो दूसरे में जो है Redmi Note 4, Redmi Note 4X, Qualcomm Redmi 4X, यानी कि Redmi 4 इंडिया में जो चलता है, Redmi 4 है, Redmi 5 है और Redmi 5। तो इन डिवाइसेस को सेकंड में रखा गया है, सेकंड रो में रखा गया है। इनको जो अपडेट मिलेगा वो मिलेगा मिड नवंबर तक, यानी कि 15 नवंबर तक आपको इन सभी डिवाइसेस में MIUI 10 का स्टेबल अपडेट देखने को मिल जाएगा, बाकी के जो सेकेंड बैच के दूसरे रो में हैं। अब बात करते हैं, तो हो गया सेकेंड बैच के डिवाइसेस की। अब बात करते हैं थर्ड बैच के डिवाइसेस की, तो थर्ड बैच के डिवाइसेस को आपको एंड ऑफ नवंबर यानी कि दिसंबर तक आपको अपडेट देखने को मिलेगा इन थर्ड बैच के डिवाइसेस में। अब कौन कौन से थर्ड बैच के डिवाइसेस, तो मैं नाम बता देता हूँ आपको इन सब डिवाइसेस के। तो सबसे पहले जाते हैं Mi 3, Mi 4, Redmi Note 3, Qualcomm Redmi Note 3 स्पेशल एडिशन, Redmi 3S, Redmi 3S Prime, Redmi Note 4 MediaTek, Redmi 4 Prime। तो इन डिवाइसेस को आपको दिसंबर तक अपडेट देखने को मिल जाएगा MIUI 10 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट, जो कि थर्ड बैच के डिवाइसेस है, इसलिए इनको दिसंबर तक मिलेगा MIUI 10 का स्टेबल अपडेट। सो गाइस, देख सकते हैं आप जो ब्लू टिक है, इनको मिल चुका है MIUI 10 का स्टेबल अपडेट, जो कि फर्स्ट बैच में थे। सेकेंड बैच को दो हिस्सों में बांटा गया है, जिनको जो पहला जो हिस्से में बांटा गया है उनको इंड ऑफ अक्टूबर यानी कि अक्टूबर तक आपको देखने को मिल जाएगा, अक्टूबर के लास्ट दिनों तक। और जो दूसरे रो में है मिड नवंबर, जो कि 15 नवंबर तक इन डिवाइस को मिल जाएगा अपडेट। इसके बाद जो थर्ड बैच है, इनको डिवाइस देखने को मिलेगा, अपडेट देखने को मिलेगा दिसंबर तक। सो गाइस, अब बात करें आखिर क्यों Xiaomi देरी से की फिर से नया शेड्यूल लाना पड़ा MIUI के स्टेबल अपडेट के बारे में। तो अगर मैं बात करूँ किस वजह से देरी हो गई MIUI 10 के स्टेबल अपडेट आने में सेकेंड बैच और थर्ड बैच के डिवाइसेस में, तो अगर हम बात करें तो बीच में जब 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चीन में कुछ फेस्टिवल चल रहे थे, जिस वजह से बीटा टेस्टिंग जो है रुक गई थी, किसी भी डिवाइस में आपको बीटा रोम नहीं आया था, यानी कि 2 या 3 अपडेट आपको देखने को नहीं मिला था बीटा रोम में, तो इस वजह से बीटा टेस्टिंग नहीं हो पाई और इस वजह से आपको MIUI 10 का स्टेबल अपडेट भी लेट हो गया इस बार इसी वजह से। सो गाइस, ये था इस वीडियो में आपको बताना, जो कि काफ़ी ज़रूरी था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको रोज़ यार टेक्नोलॉजी रिलेटेड और MIUI अपडेट्स मिलते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।